हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इमारत की दूसरी मंजिल पर एक रूम में प्लास्टर गिरने से माँ और उसका छोटा बच्चा घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा में साई आसरा बी विंग की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 202 में नूरजहां अपने परिवार के साथ रहती हैं, और ये मकान जो है उन्होंने किराए पर करीब 4 महीने पहले मोहम्मद रईस खान से लिया था। जिस रूम में नूरजहां अपनी बेटी उज्मा और छोटे बच्चे जुहान के साथ रह रही हैं, उस रूम की छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जगह जगह पर प्लास्टर छूटकर गिर रहा है, चाहे वो किचन हो या फिर बेडरूम हो, हर जगह आपको प्लास्टर गिरने की स्थिति में यहाँ पर नजर आएगी। इसी तरह से नीचे जमीन पर उज्मा अपने बेटे जुहान के साथ सो रही थी, मगर 3 बजे के आसपास छत से प्लास्टर का एक हिस्सा छूटकर उज्मा और उनके बेटे पर गिर पड़ा, जिसमें उज्मा के सर और हाथ में चोट लगी है, और वहीं उज्मा के बच्चे के आंख के पास हल्की चोट लगी है। नूरजहां ने बताया कि रूम मालिक मोहम्मद रईस से कई बार वो कह चुकी हैं कि प्लास्टर छूटकर गिर रहा है, इसे बनवा दें, मगर रूम मालिक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस रूम में प्लास्टर गिरने की वजह से बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नूरजहां सुल्तान खान है। अच्छा, बिल्डिंग का क्या नाम है? बिल्डिंग का नाम साई असरा बी विंग, रूम नंबर 202। कब हुआ है ये? रात के 3:30 बजे मैं बच्चों को लेकर सो रही थी, उसी टाइम एकदम से ज़ोर से आवाज़ आई अचानक, और देखे तो पीछे पलटकर ऊपर से बच्ची के और जो छोटा बच्चा सोया था उसके सर पर पूरा मलबा गिरा। बच्ची को तो ज़्यादा जख्म आया, और वो बच्चे के सर पर और उसकी आँख की पलक पूरी खुरच गई है। खुद का रूम है या भाड़े का? नहीं, भाड़े का रूम है मेरा। तो जिसका रूम है उसको आप बताएं कि हालत काफी जर्जर हो चुकी है। फोन करो, लेकिन किसका रूम, किसका ये रूम? मोहम्मद रईस खान। अच्छा, क्या हैवी डिपॉजिट पे है? हैवी यानी मैं 1,00,000 रुपया उनको दी हूँ, 4,000 रुपया रेंट लेते हैं, 300 मेंटेनेंस प्लस 1,000 रुपया लाइट बिल। तो आप उनको क्यों नहीं बता रहे कि पूरा जर्जर हो चुका है, स्लैब गिर रहा है, घायल भी हो गए? क्या बोल रहे हो? कुछ बता रही हूँ उनको, ये भी बोली कि मैं कंप्लेंट, वो बोलते हैं कर दो, मैंने थोड़ी ना गिराया, मैंने थोड़ी ना करा। तो बनवाना तो चाहिए उनको। मैं आउट ऑफ हूँ, आऊंगा तो बात करूंगा, 2-4 दिन लगेगा, मैं आऊंगा तो बात करूंगा, मगर इससे पहले भी मैंने वॉशरूम का बाथरूम में भी ये पूरे स्लैब गिरे, आप लोग देख लीजिए, पूरा काम कराई, 2,000 रुपया वो, 1,000 रुपया वो उसका, लेकिन वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं रहते। ये पूरे छत में जो है सीढ़न दिखाई दे रहा है, यहाँ वहाँ से स्लैब निकल निकल के गिर रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं बड़ा हादसा हो गया, हाँ, तो इसका जवाबदार कौन है? मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, इसका जवाबदार कौन है? वो बोलते हैं मैंने थोड़ी ना गिराया, मैंने नहीं गिराया, तुम गिराए नहीं, लेकिन उनको बनाना तो चाहिए ना। हाँ, तो वो बोलते हैं हम आएंगे जब जब देखेंगे, हम अभी है नहीं, आउट ऑफ है, मुझे नहीं मालूम, मैंने फोन किया, वो बोलते हैं हम आउट ऑफ है, अभी है नहीं। वो आदमी कुछ भी रहता है तो नहीं आता है। इसके पहले मेरी अम्मी हैंडी कैप है, हाथ पैर से दोनों से वो माजूर है। अच्छा। वो कुछ भी होए घर में वो आता नहीं है आदमी, चाहे हम लोग बाथरूम का मसला बोले, अभी 10 दिन से बाथरूम पूरा भर भर के गिर रहा था, पूरा बाहर आ रहा था गलाजत, उसको बोले तो वो बोलता है कि मैंने थोड़ी ना किया, अपना घर समझ के रहो, अभी ये अपना घर समझ के हम लोगों ने स्लैब गिराए है क्या? वो कोई चीज करने के लिए आता नहीं है, ना कोई चीज के लिए पैसा देता है। हम लोग ने 1,200 रुपया वो चेंबर वाले को बुला के वो करवाया, उसमें भी मोरी बाथरूम का पूरा मिट्टी गिर गिर के वो पूरा मोरी का बाथरूम का खड्डा ब्लॉक हो गया था, बाथरूम का भी पूरा स्लैब गिर के उसके अंदर ब्लॉक हो गया वो। अब वो बोलता है कि नहीं तुमने कुछ डाले, तुमने कुछ किया, उसका 1,200 रुपया हमने भंगी को दे के वो साफ करवाया। अभी आपको मार कहां कहां पे लगी? मेरे सर पे फटा है और मेरा हाथ पूरा खुरच गया। टाके वगैरह आए हैं क्या? नहीं नहीं, टाके वगैरह नहीं आए, खून निकल रहा था। वो बच्चे को कहां पे लगा? बच्चे की आँख पूरी खुरच गई है, वो मेरे साइड में सोया हुआ था, इसके लिए उसको ज्यादा नहीं लगा। इसका हाथ ऐसे था ना, वो दूध पीता है छोटा बच्चा,
तो वो हाथ ऐसे था उसका, वो बच्चा। अगर आप लोगों की जान को खतरा है तो फिर आपने जो डिपॉजिट वगैरह दिए हैं वो लेके खाली कर दीजिए, आप दूसरे खाली कर दे। तो मेरी यही उनसे बात है कि मेरा शौहर नहीं है, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, मैंने जो गाड़ी भाड़ा टेम्पो का दलाली का और जो ये रूम का मैंने खर्चा किया है वो करके मुझे वो दूसरा रूम दिला कर दे, हमारा कोई कमाई का जरिया नहीं है, वो भर के दे, कोई कमाई का जरिया नहीं है। छोटा भाई ये 11 छोड़ के वो अपना जॉब पे लगा है, अभी 15 दिन पहले मेरी बहन की हम लोगों ने शादी करा के दिए है, तो बच्चा हम लोगों का काम पे लगा हुआ है, कोई कमाई का जरिया थोड़ी ना है। हम लोगों का 8-10 यानी रूम मालिक पूरी तरह से लापरवाही कर रहा है, ना बना रहा है, ना हाथ उठा लेता है, कोई चीज करने के लिए नहीं आता है उसको। हम लोगों ने यहाँ तक की धमकी दी है कि तुम हमको नहीं आके इधर देखेंगे, नहीं करके देंगे तो हम लोग पुलिस चौकी में कम्प्लेन करेंगे, तो बोलता है कर दो, जिसको जो करना है कर दो, यानी उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। और मेरी अम्मी ऐसी हालत में, हम लोग ताबड़तोड़ रूम खाली करके सामान लेके कहाँ जाएंगे, हम लोगों ने दलाली का 5,000 7,000-8,000 रुपया हम लोगों का ये चला गया, टेम्पो का गाड़ी भाड़ा चला गया, मजदूरी चली गई उसकी, ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये सबका जिम्मेदार फिर कौन है। हम लोग इसके लिए इतनी दलाली और इतना पैसा थोड़ी ना दिए थे कि हम लोग 4 महीने में फिर खाली करेंगे। अभी 4th महीने का भाड़ा 4 दिन पहले ही हम लोगों ने उसको गूगल पे मारे है, हम लोग उसको ना भाड़े की तकलीफ देते, ना डिपॉजिट की तकलीफ देते, ना लाइट बिल की तकलीफ देते, कोई चीज की तकलीफ दे रहा है ना, हर तरीके से तकलीफ दे रहा है। अभी मेरे को इतनी मार लगी है, अब इसका दवा का खर्चा और ज्यादा कुछ हो जाता तो कौन देता, हमारे घर में थोड़ी ना बैंक बैलेंस पड़े हुए है, हमारे घर में 4 मर्द थोड़ी ना कमाने वाले। अभी इसका भी मैं उससे मांगू क्या कि लाकर दे मुझे। आप तो भाड़ोत्री है, रूम तो उनका है तो उनको तो बनाना चाहिए रूम, क्योंकि उनका वो बड़े नहीं बनाता है, वो नहीं बनाता है। हम लोग जब ये रूम देखने के लिए आए थे, ये पूरा कलर वाला मार के एकदम अच्छा था, बस ऊपर जरा सी क्रैक थी, उसने बोला मैं वो 2-3 दिन में आपको है ना भर के करके दूंगा। 4 महीना हुआ है, बस 4 ही महीना हुआ है, वो भी बोला मैं करके दूंगा, और आज तक कभी वो कोई चीज करने के लिए आता नहीं है, पैसा लेने के लिए आया था लेकर एग्रीमेंट बना है हम लोग का, सब है 11 महीने का जी।